हेलो जी, आज था मेरा वर्क फ्रॉम होम, तो जल्दी से ऑफिस का काम खत्म करने के बाद मैंने थोड़ा सा म्यूजिक सुना और लेट उठी थी, तो ऑलमोस्ट आफ्टरनून तो हो चुका था। तो फिर मुझे करनी थी डिनर की तैयारी। तो सबसे पहले मैंने प्याज को बारीक चॉप कर लिया था, गोभी को अच्छे से छील के और काट के इसके अंदर मैंने नमक और हल्दी डालकर इसको 5 मिनट के लिए पानी के अंदर सोख करके रख दिया था, ताकि अगर इसके अंदर कोई डस्ट और कीड़ा वगैरह है तो वो इससे निकल जाएगा। पैन के अंदर डाला 2 चम्मच तेल, सब्द गर्म मसाला ऐड करके इसको अच्छे से भून लिया और फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया बारीक चॉप किया हुआ एक ऑनियन, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया, मीडियम साइज का एक टमाटर इसमें ऐड कर दिया, 2 से 3 हरी मिर्चों को बारीक चॉप करके वो इसमें शामिल कर दिया। इसी के साथ मैंने थोड़ा सा नमक इसके अंदर डाल दिया ताकि टमाटर और प्याज अच्छी तरह से सोते हो जाए। बोनलेस चिकन इसमें ऐड करके इसको मैंने ब्राउन होने तक अच्छी तरह से पका लिया और फिर जी मैंने इसमें डेली बेसिस पे यूज़ होने वाले तमाम स्पाइसेस को ऐड कर दिया था, जिसमें लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी, काली मिर्च पाउडर और उसके धनिया का पाउडर शामिल था। और उसके साथ ही मैंने अलैन का टमाटो पेस्ट इसमें मैंने ऐड कर दिया था और गोभी ऐड करने के बाद मैंने इसको 5 से 7 मिनट के लिए दम पर रख दिया और मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था। आफ्टर 15 मिनट गोभी चिकन अच्छी तरह से गल चुका था, फिर मैंने इसके अंदर ऐड किया गरम मसाला और कसूरी मेथी और हरा धनिया, इसको मैंने फिर 1 से 2 मिनट के लिए ढककर दम पर छोड़ दिया था। इसी के साथ मैंने अपने लिए पराठा बना लिया था और मैंने दही के साथ सब्जी को एंजॉय किया। एंड सीरियसली द टेस्ट वाज रियली रियली गुड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।